लास्ट टाइम आपने पढ़ा था, देख रहे हैं ना भाई, मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। पता नहीं यार, मेरे पास तो लैंडलाइन है, तो लैंडलाइन में तो ऐसी मिस्टेक्स नहीं होती हैं जहाँ तक मुझे पता है। चलिए, तो लास्ट टाइम हमने मोमेंटम थिकनेस पढ़ा था, इसमें क्या किया, अल्टीमेटली जो इनलेट में जा रहा था हमें उसकी वैल्यू निकाली थी, और मतलब पर सेकेंड मास ऑफ फ्लो पर सेकेंड थ्रू द एलिमेंट्री स्ट्रिप निकाला था, देन मोमेंटम पर सेकेंड ऑफ दिस फ्लूइड इनसाइड द बाउंड्री निकालना था, और बिफोर एंटरिंग द बाउंड्री निकालना। मतलब ये दो पार्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, रो यू स्मॉल यू स्क्वायर डिवाइड, और रो इंटू यू इंटू कैपिटल यू इंटू डिवाइड, फिर अल्टीमेटली दोनों को एक दूसरे से माइनस करना था, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि लॉस ऑफ मोमेंटम मोमेंटम कितना होगा। और जब हम इससे निकालेंगे तो अल्टीमेटली इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देन इंटीग्रेशन करने के बाद लॉस ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड ऑफ फ्लूइड एलिमेंट्री फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द डिस्टेंस डी विथ अ वेलोसिटी यू, मतलब क्या हुआ, अल्टीमेट पहले हमने कितना लॉस हुआ वो निकाला, और ये लॉस डिस्टेंस बिटवीन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी निकालना था, मतलब एक टोटल निकालना। और अल्टीमेटली दोनों को इक्वेट किया तो इक्वेशन की वजह से ये दोनों क्या बोलते हैं, वो कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ यूनिट 0 टू डेल यू अपॉन यू 1 माइनस यू अपॉन यू इनटू डी। और इसे हमने बोला था कि दिस इक्वेशन हेल्प फॉर द काइनेमेटिक्स, मींस स्मॉल यू और कैपिटल यू वगैरह फाइंड आउट करने में आपको। आज का टॉपिक है एनर्जी थिकनेस। एनर्जी थिकनेस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री ऑफ द सॉलिड बॉडी बाय व्हिच द बाउंड्रीज विल बी डिस्प्लेस्ड टू कंपनसेट फॉर द रिडक्शन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग थ्रू ऑन अकाउंट ऑफ बाउंड्री लेयर फंक्शन। मतलब ये कह रहा है कि जब हमारा कोई एक लेयर होगा और इसके लेयर से जब कोई फ्लूड फ्लो होगा, तो ये फ्लूड फ्लो होने की वजह से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहाँ पे ये रिटार्डेशन हमें मिल रहा है, ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है मतलब यहाँ से यहाँ तक, इसके बारे में जो मेजर करना है उसको हम बोलेंगे एनर्जी थिकनेस डेल्टा एक्स। ओके, तो मास ऑफ फ्लो पर सेकेंड थ्रू द एलिमेंट्री स्ट्रिप क्या हो जाएगा, तो मास के लिए हमने पहले बताया था क्या कि रो इनटू वॉल्यूम, और पहले ही बोल के रखा गया है कि उसमें हमें एलिमेंट्री लेंथ लिया मतलब यूनिट लेंथ लिया है, तो एक वैल्यू वन हो जाएगी और उसके बाद दूसरी वैल्यू यू और तीसरी वैल्यू दी जाएगी। तो नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस फ्लूइड इनसाइड द बाउंड्री रेट, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इट इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। अब वहाँ पे वी स्क्वायर मतलब वी वेलोसिटी को था, और यहाँ पे यू वेलोसिटी के लिए इंडिकेट कर रहा है, तो हमने ये एम की वैल्यू यहाँ से पुट की और यू की वैल्यू एज इट इज। सिमिलरली ये इनसाइड अंदर जाने से पहले पहले की बात करें ना, तो पहले जो हमारी वेलोसिटी थी वो अंदर जाने के बाद स्मॉल यू हो गई, और पहले मतलब जो बाहर की ओर थी वो कैपिटल यू रही, तो आपका जो फॉर्मूला बना वो बना हाफ रो वी डी वाई इंटू यू स्क्वायर। ओके, अब दोनों को एक दूसरे से माइनस करने पे अल्टीमेटली हमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ रो इंटू यू u square minus u square into d by, okay? So total loss of kinetic energy क्या हुआ, तो total loss of kinetic energy हुआ half into rho into u, जल्दी चीज को copy कर दें। Let's delta e is equal to distance by which the fluid is displaced to compensate for the reduction in kinetic energy, ठीक है? So then loss of kinetic energy through delta E of fluid flowing with velocity u, मतलब क्या हुआ, जो हमारा ये आया इसके बेसिस में अब डेल्टा ई, अगर डेल्टा ई को मैं कंसिडर कर रहा हूँ
तो डेल्टा ई के बेसिस में कितना काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा? तो काइनेटिक एनर्जी लॉस होने के लिए उसने क्या किया, हाफ इंटू अब एम इंटू वी रहा, तो एम की जगह पे उसने क्या यूज किया, तो एम का फॉर्मूला पहले तो रो इंटू वी लिखा, और वी की जगह उसने पहले बताया कि हम लोग एंटर कर रहे हैं, इसलिए एक टर्म यू आएगा और यू इंटू जो पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पर्टिकुलर डिस्टेंस कितना हमने लिया, तो हमने पहले एज्यूम करके रखा है वो डेल टी होगा, तो इसीलिए क्या गया, और यहाँ पे एक एलिमेंट्री लेंथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया हाफ इंटू रो यू इंटू डेल ई इंटू यू स्क्वायर। अब आपके पास एक इक्वेशन ये मिला और एक इक्वेशन ये मिला, तो आपने क्या किया, अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया, और इक्वेट करने के बाद अल्टीमेटली जो वैल्यूज आपको फाइंड आउट हो रही है, मतलब जो कैंसिल आउट हो रही है उन सबको हटा देते हैं, तो आपके पास डेल्टा ई की वैल्यू क्या बनी, तो ये हुई 1/u³, क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लाई होकर यू क्यूब, और अंदर में यू इंटू यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू डी। ओके, और अल्टीमेटली अगर इस पूरे फंक्शन को मैं अंदर में पुट कर दूं तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो इस तरीके का। ओके, तो आपका जो फाइनल इक्वेशन वो किसका, तो एनर्जी थिकनेस का, वो आपका रहेगा डेल्टा ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू डेल्टा यू अपॉन यू वन माइनस यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इंटू डी। अब थोड़ा सा याद कर लीजिए, यू क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एंटरिंग इनटू द पाइप है, और कैपिटल यू क्या है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड है, ये दोनों क्लियर है। और डी वाई क्या है, तो वो पर्टिकुलर डिस्टेंस जितने पे ये फ्लूइड मूव कर रहा है उसके बारे में उसने डी वाई वर्ड्स लिए। ओके, चलो अब न्यूमेरिकल पे आते हैं। न्यूमेरिकल कहता है कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द बाउंड्री लेयर इज गिवन बाय यू अपॉन कैपिटल यू इज इक्वल टू वाई अपॉन डेल्टा, वेयर यू इज द वेलोसिटी एट द डिस्टेंस वाई फ्रॉम द प्लेट एंड यू इज इक्वल टू यू एट वाई इज इक्वल टू डेल्टा, and delta being boundary layer thickness, find the displacement thickness, second momentum thickness, third energy thickness, and the value of delta star upon theta. So pehla jo hai displacement thickness, displacement thickness aapne kya equation derive kiya tha, so delta star is equal to integration of 0 to delta 1 minus u upon u into dv. ठीक, अब u अपॉन u जो है उसकी वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास y अपॉन डेल्टा दे के रखी है, इसलिए हमने क्या किया, क्वेश्चन में लगाया 1 माइनस y अपॉन डेल्टा इंटू डी वाई। अब मैं ये डी वाई को ओपन कर रहा हूँ, तो डी वाई का इंटीग्रेशन क्या हुआ, y हुआ, और ये y को मैं अब अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे हो गया y, ये y हो गया माइनस y स्क्वायर अपॉन 2y, y square upon 2y क्यों हुआ, क्योंकि y into dy का integration हुआ, तो ये हो गया y square upon 2. अब जब मैंने limit put किया, तो limit put करने के बाद जो formula बना वो हुआ del minus del square upon 2del, तो ultimately ये equation क्या बना, यहाँ से ये power गया, तो del minus del upon 2, ultimately answer है del upon 2. ठीक है, तो आपका पहला equation solve। चलिए दूसरे की बात करते हैं, मोमेंटम थिकनेस। तो मोमेंटम थिकनेस आपने लास्ट टाइम इक्वेशन जो डिराइव किया था, वो था थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू डेल यू अपॉन यू वन माइनस यू अपॉन यू इंटू डी वन। ठीक, सिमिलरली वही आपको पहले ये वाले को रिप्लेस कर देना है, तो ये वाले को रिप्लेस करने के बाद ये देखो दो जगह पे था, दोनों जगह पे मैंने इक्वेशन को रिप्लेस किया। अब रिप्लेस करने के बाद जितने भी वाई हैं सबको एक तरफ ले आओ और बाकी को अलग ले लीजिएगा, तो यहाँ पे आ गया वाई अपॉन डेल, और दूसरे वाले में आया माइनस वाई स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन पार्ट कंप्लीट करोगे तो ये हो गया वाई स्क्वायर अपॉन टू, और ये हो गया वाई क्यूब अपॉन थ्री, और जब मैंने इसका लिमिट पुट किया, लिमिट पुट करने के बाद आपकी जो वैल्यू आई वाई डेल अपॉन सिक्स। क्लियर है, चलिए
थर्ड जो है वो है एनर्जी थिकनेस डेल ई। तो डेल ई के इक्वेशन आपने क्या निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू डेल यू अपॉन यू। सेम प्रोसेस, यू अपॉन यू की वैल्यू की जगह आपको y अपॉन डेल रखना है, यहाँ पे भी y स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर रखना है और अल्टीमेटली y अपॉन डेल माइनस डेल क्यूब अपॉन y क्यूब अपॉन डेल क्यूब। अब अल्टीमेटली इसका आप इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन टू और ये y रेस टू पावर फोर अपॉन फोर। और जैसे आपने ये इक्वेशन में जीरो और डेल रखा तो उसकी वजह से आपकी जो वैल्यू आई वो आई डेल अपॉन फोर, तो आपका एनर्जी थिकनेस जो आया वो आया डेल अपॉन फोर। लास्टली आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल अपॉन थीटा। ठीक, तो डेल अपॉन थीटा क्या होगा, तो मेरे ख्याल से डेल की वैल्यू आपने निकाल के रखी है और थीटा की वैल्यू भी निकाल के रखी है। तो हमने चेक किया डेल और थीटा की वैल्यू यहाँ से और यहाँ से आपने यूज किया और दोनों को रखा, तो उससे क्या हुआ डेल से डेल कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली सिक्स ऊपर चला गया टू नीचे आ गया, तो आपका आंसर आया थ्री। इस न्यूमेरिकल में कोई डाउट है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द बाउंड्री लेयर इज गिवन बाय यू अपॉन यू इज इक्वल टू थ्री वाई अपॉन टू डेल माइनस वन वन बाय टू वाई स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर वेयर डेल बीइंग द बाउंड्री लेयर थिकनेस। सो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ displacement thickness to boundary layer thickness means del star upon del आपको find out करना and the ratio of momentum thickness to boundary layer thickness मतलब theta upon del निकालना है। ultimately आपको del star भी निकालना है, आपको theta भी निकालना है और del तो आपके पास है। तो velocity distribution क्या हुआ, तो वो हुआ u upon u is equal to y upon 2 del minus y square upon 2 del square। ठीक, तो जो आपका पहला इक्वेशन था, पहला जो था डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट थिकनेस अपॉन डेल रखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपने डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या है आपने वो रखा, तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की वैल्यू आपने वहां से इक्वेशन से निकाली, वो रहा 0 टू डेल 1 माइनस u अपॉन u। अब u अपॉन u की जगह पे आपने ये वैल्यू पुट कर दी और जिन वैल्यू पुट करने के बाद आपने इसमें इंटीग्रेशन लगाया। ओके, तो इंटीग्रेशन लगाए तो वन का जो होगा वो वाई हो जाएगा और ये वाई का वाई स्क्वायर अपॉन टू, तो ये हो गया थ्री अपॉन टू इंटू टू। इसी तरीके से वाई क्यूब का हो गया, सॉरी वाई स्क्वायर का हो गया वाई क्यूब अपॉन टू इंटू थ्री, सिंपल इंटीग्रेशन। और अल्टीमेटली जब मैंने इसमें डेल की वैल्यू रखी तो हमारा आया फाइव बाई ट्वेल्व इंटू डेल। अब देखो डेल स्टार की वैल्यू आ गई, अब ये डेल स्टार में अगर मैंने डेल को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये डेल से डेल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली डेल स्टार अपॉन डेल इज इक्वल टू हो गया 5 बाय 2। ओके, चलिए अब आता है डेल अपॉन सॉरी थीटा अपॉन डेल। तो थीटा क्या है आपका, तो थीटा जो है आपका है वो है मोमेंटम थिकनेस। ठीक, तो मोमेंटम थिकनेस का आपने फिर से वही रखा, आपने पहले फॉर्मूला रखा, फॉर्मूला रखने के बाद इस यू अपॉन यू की जगह पे जो आपके पास गिवन इक्वेशन है वो रखा, वो रखने के बाद अब सबको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने का रीजन ये है कि जैसे आप ये सिंप्लीफाई हो जाएगा उसके बाद आप लिमिट लगा सकते हो। चलिए इसने बहुत लंबा चौड़ा सिंप्लीफाई किया है। ठीक, उसने क्या किया, पहले इसके इसके तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसका ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये पूरा टर्म तैयार हुआ। अब इस पूरे टर्म में उसने कांस्टेंट मतलब वाई वाई स्क्वायर फिर वाई क्यूब वाले वैल्यूज लिए और फिर वाई रेस्ट पावर फोर कर दिया। ठीक, अब जो इक्वेट हो रहा है उन लोग को इक्वेट करके सिंप्लीफाई किया, मतलब जैसे 9 अपॉन 4 प्लस 1 बाय 2, तो अल्टीमेटली इसको कैसे हो जाएगा, तो रेशियो 4 आ जाएगा, 9 यहीं रह जाएगा, 2 यहाँ जाएगा, तो 9 और 2 11 अपॉन 4। इस तरीके से उसने इस पूरे इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया। अब सिंप्लीफाई करने के बाद अब आप यहाँ पे
क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ एक टू हो जाएगा, ये वाई क्यूब हो जाएगा और यहाँ एक थ्री आ जाएगा, ये वाई फोर हो जाएगा, यहाँ एक फोर आ जाएगा और यहाँ एक फाइव हो जाएगा और यहाँ एक फाइव आ जाएगा। मतलब जो इक्वेशन बना वो हुआ थ्री अपॉन फोर, तो ये देखिए ये देखिए थ्री अपॉन फोर वाई स्क्वायर अपॉन डेल। इसी तरीके से उसने सारे के सारे इक्वेशन को पुट किया, पुट करने के बाद जीरो और लंबा की वैल्यू को यहाँ पे लगाइए तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 19 अपॉन 120 इनटू डेल। तो ये थीटा की वैल्यू आई, आप अगर चाहें तो डेल का डिवाइड कर दीजिए और नहीं तो डायरेक्ट ये वाले डेल को यहाँ से उठा के यहाँ पे पटक दीजिए तो आपकी थीटा अपॉन डेल की वैल्यू आ गई 19 अपॉन 120। ओके, मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल समझ में आ चुके होंगे कि कैसे न्यूमेरिकल को हैंडल करना। ठीक है, अब जो है वो नेक्स्ट है फाइंड वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक मिनट भाई, कोई डिस्टर्ब कर रहा है मालूम है। हेलो भावेश दमनिया, कहाँ है भावेश दमनिया? मेरे ख्याल से तुझे कॉलेज मतलब टाइमिंग पता होगा। तो पुष्पराज सर ने क्या मैसेज किया भाई, तू मुझे भी बता दे यार थोड़ा सा। भाई 11:30 का तो मेरे पास तो ऐसा कोई फिफ्थ सेमेस्टर में मैसेज ही नहीं दिख रहा है, वो तो भंडारी सर का दिख रहा है। और 11:30 बजे से पहले तुझे शायद पता होगा कि 10:30 बजे एक लेक्चर स्टार्ट होता है। भाई नेक्स्ट टाइम कोशिश करो यार ऐसे डिस्टर्ब नहीं। चलिए ठीक है, तो मेरे ख्याल से हम लोग आ चुके हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि इफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन लैमिनार बाउंड्री लेयर ओवर अ फ्लैट प्लेट इज अज्यूम टू बी गिवन बाय सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल क्या था, u इज इक्वल टू a प्लस by प्लस c इंटू वाई स्क्वायर, determine its form using the necessary boundary condition। चलिए अब आपको boundary conditions लगानी है, एक assumptions करना है और ultimately उससे find out करना है कि भाई हमें मिल क्या रहा। तो पहला क्या बोला, velocity distribution मतलब u is equal to a plus by plus c y square है। अब जैसे मैंने इसमें boundary conditions लगाए तो पहला boundary condition क्या होगा, y is equal to 0 तो u is equal to 0। ठीक, अब अगर मैंने y की वैल्यू सारी चीज कर दी है और ये जीरो कर दिया तो u की वैल्यू उसने बोला अल्टीमेटली मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा। तो अगर ये 0 हुआ तो यहाँ से मुझे एक जो आर्बिट्री कांस्टेंट a है उसकी वैल्यू मिल गई, वो है a is equal to 0। ठीक, चलो अब मैंने दूसरा बाउंड्री कंडीशन लगाया कि y is equal to 10, so u is equal to हो जाएगा कैपिटल U इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल। तो जब मैंने ये वैल्यू यहाँ पे रखी तो यहाँ पे a की वैल्यू हमने पहले डिक्लेयर कर लिया कि इट इज 0, b into y की जगह पे डेल रखा और c into डेल स्क्वायर और u की जगह पे कैपिटल U रखा। ठीक, तो हमारे पास एक और इक्वेशन बना, इक्वेशन हुआ u इज इक्वल टू b इंटू डेल प्लस c इंटू डेल स्क्वायर। सिमिलरली एट अगर y इज इक्वल टू डेल हो तो du अपॉन dy इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलिए ये लिमिट भी पुट करते हैं, तो ये लिमिट जब मैंने यहाँ रखा क्या किया, du अपॉन dy किया इज इक्वल टू a कांस्टेंट था इसलिए यहाँ से गायब हो जाएगा, यहाँ पर डी इंटू वाई है तो y का क्या हो जाएगा, y का मतलब dy by dy मतलब 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 1 हो गई और ये हो जाएगा 2 इंटू c इंटू y, बराबर है। चलिए तो मैंने क्या किया, d अपॉन dy था तो ये वाला पहला वाला टर्म यहाँ से कैंसिल हो गया इसलिए यहाँ दिख नहीं रहा है, ये वाले में केवल d बचेगा क्योंकि dy अपॉन dy वो 1 हो जाएगा,
इसलिए यहाँ पे हमने बी का यूज कर लिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू इंटू सी इंटू वाई, तो टू इंटू सी इंटू वाई, और वाई की वैल्यू क्या है तो डेल है, तो मैंने वाई की जगह पे डेल रख दिया। अल्टीमेटली इज इक्वल टू कितना, तो जीरो, क्यों, क्योंकि डी वाई बाय डी यू बाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो हमारा है। ये देखो हमें ये एज्यूम किया हुआ है। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू क्या, तो माइनस टू इंटू सी इंटू डेल फ्रॉम इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन, मतलब मेरे को क्या मिला। अब देखो जब ये वाले इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, इस वाले की बात कर रहा हूँ, तो इसके बेसिस पे मुझे ये मिल गया कि b इज इक्वल टू माइनस टू इंटू सी इंटू डेल। ओके, तो ये वैल्यू अब मेरे को क्या करना है, तो हमारे जो इक्वेशन नंबर वन है, ये टू से वन मतलब इस पार्ट की बात कर रहा होगा, इस वाले की बात कर रहा होगा ना, तो वहां पे जब रखेंगे तो अल्टीमेटली हमें जो इक्वेशन मिलेगा, नहीं एक मिनट, वो जो हमारा इक्वेशन है वो ये पार्ट है, यह है इक्वेशन नंबर वन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें बी की वैल्यू रखेंगे, तो वो हो जाएगा माइनस टू इंटू सी इंटू डेल प्लस सी इंटू डेल स्क्वायर। और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे मिलेगा माइनस सी इंटू डेल स्क्वायर। अल्टीमेटली यहाँ से मुझे सी की वैल्यू मिल गई, तो सी की वैल्यू हो गई माइनस यू अपॉन डेल स्क्वायर। एंड अब ये सी की वैल्यू मैं बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए रखूंगा, तो मेरी बी की वैल्यू आई टू इंटू यू अपॉन डेल। ओके, सो हेंस फॉर्म ऑफ द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा u इज इक्वल टू b इनटू y माइनस c इनटू y स्क्वायर। लेक्चर ले रहा हूं तब ना, कब खत्म होने वाले हैं, एक दो बंदे मुझे चाहिए सर के पास, वो सर वेरीफाई कर रहे हैं ना, मैं निकल रहा हूं, तो मैकेनिकल में तीन चार लोग हैं, मैं पूछना ना किसी से भी, ये कहाँ बिजी है। ओ सर जी, मैं नहीं जानता भाई, वो चौधरी सर को बोलो, जिस मेरा ये खत्म होने के बाद लेक्चर के बाद उन्नत भारत का मेरे को पोस्टर बनाना है, तो पता नहीं, विनय सर आज छुट्टी पे हैं, निशा सर वहाँ होंगे, वहाँ पे देख लो। हेलो, हाँ भाई, तो आपका अल्टीमेटली बी की वैल्यू आ गई और सी की वैल्यू आ गई। मैम सुनो ना, मेरे ख्याल से उसके लिए पुष्पराज से ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है, तो जब भी खाली हो उनको बोलो कि आके वो करें। हेंस तो अल्टीमेटली जो आपका इक्वेशन बना, वो इक्वेशन बना यू इज इक्वल टू टू इंटू यू अपॉन डेल इंटू वाई माइनस वाई, मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे आपने बी की वैल्यू रखी और यहाँ पे आपने सी की वैल्यू रखी, और ए की वैल्यू जीरो थी इसलिए वो पार्ट रिप्लेस हो गई, तो आपका जो इक्वेशन बना वो बना यू अपॉन, अब यहाँ पे दोनों यू कॉमन है, मैं वहां से दोनों से निकाल लेता हूँ, तो यू अपॉन यू अब टू इंटू वाई अपॉन डेल माइनस माइनस y स्क्वायर y अपॉन डेल का होल स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक का नाम है मोमेंटम इक्वेशन फॉर हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर ओवर अ फ्लैट प्लेट। एक्चुअली मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ये वाला पार्ट जो है, मतलब अभी जो हमने ब्रेकिंग पार्ट कर रहे हैं, ये आपके सिलेबस से इसलिए को रिलेट हो रहे हैं क्योंकि जो आगे मतलब जो एक थ्योरम है, आई थिंक उस थ्योरम में ये सभी का कॉन्ट्रीब्यूशन है। ओके, चलिए, कंसिडर अ फ्लूइड फ्लोइंग ओवर ए स्टेशनरी फ्लैट प्लेट एंड द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर एज शोन इन फिगर। आपका जो फिगर है वो ये फिगर बता रहा है, फिगर क्या बता रहा है, सेम जो हमने पहले पढ़ा था कि ये हमारा एक फ्लैट प्लेट है, ये फ्लैट प्लेट में हमने फ्लूइड को फ्लो करवाया, तो जब ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो ये एक मतलब ट्रैजेक्टरी क्या बोलते हैं, पाथ फॉलो कर रहा है, और जब ये पाथ फॉलो कर रहा है तो ये जो है वो एक पैराबोलिक पाथ मतलब यहाँ पे डेवलप करता है जो आपका डेल डिस्टेंस से डिस्टेंस पे होता है।
और यहाँ पे अल्टीमेटली जो वेलोसिटी होती है, यहाँ पे ऑब्जर्व करिए धीरे धीरे जैसे जैसे डेल बढ़ता जाएगा आपकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती जाती है। ओके चलिए, तो स्टेटमेंट कह रहा है कि इन ऑर्डर टू डिराइव अ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द बाउंड्री लेट अस कंसीडर एन एलिमेंटल टू डायमेंशनल कंट्रोल वॉल्यूम मतलब dx dy एंड आई है dz था ऑफ ओके यूनिट डेप्थ जो dz था उसकी जगह पे उन्होंने यूनिट डेप्थ लिया है विद इन द बाउंड्री रियल रीजन मींस एनलार्ज व्यू एज शोन इन फिगर सो फॉलोइंग assumptions आर met। अब हम क्या करेंगे तो हम पहले वो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे ठीक है लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने से पहले कुछ assumptions करना जरूरी है। Assumptions क्या क्या है तो द फ्लो इज स्टडी एंड द फ्लूइड इज incompressible सेकंड विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज कांस्टेंट द प्रेशर वेरिएशन इन द फ्लो इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेट आर नेगलिजिबल then fourth viscous shear forces in the y direction are negligible and last fluid is continuous both in space and time clear hai matlab jo last wala part hai wo zyada aapke liye important hai ki kahin pe matlab ye analysis jab kar rahe hain to hamara jo fluid hai wo continuously hai wo fluctuate nahi ho raha with respect to time ya space। ओके, सो लेट्स u इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट लेफ्ट हैंड साइड AB, ठीक है? तो हमने क्या बोला ये देखो, इस पूरे पाथ को मतलब एनालिसिस करने के लिए हमने एक छोटा सा फॉर्मेशन किया। ये फॉर्मेशन कैसा था? ये तो ये एक रेक्टेंगुलर टाइप है। अब रेक्टेंगुलर का नाम उसने दिया ए बी सी और डी। अब ऑब्जर्व करिए कि u क्वांटिटी में क्या लिखा है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट द लेफ्ट हैंड फेस। तो u क्वांटिटी में वेलोसिटी अंदर जा रहा है जो dx डिस्टेंस को ट्रेवल किया, ठीक है? dx को डिस्टेंस को ट्रेवल करने के बाद तो जो ये हमारा बाहर निकला वो क्या था तो u प्लस डेल u अपॉन डेल x इनटू dx। ओके, अब यहाँ पे दूसरा एक और भी दिया है जिस हिसाब से हमने ए बी डायरेक्शन में यू को लिया उसी तरीके से बी सी डायरेक्शन से भी यू अंदर एंटर करेगा और ये एंट्री जो है वो जो बाहर निकलेगी मतलब ये जो था वो एक्स एक्सिस के लिए था और ये वाला जो है वो वाई एक्सिस के लिए। तो ये क्या होगा तो यू प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी यू। ओके, और टाउ प्लस डेल टाउ मतलब एक्चुअली होता क्या है ये जो है वो हमारा फ्लो है मतलब वेलोसिटी फ्लो के बारे में बात कर रहे हैं। जब फ्लो के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके अपोजिट में हमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा जिसको हम लोग शेयर स्ट्रेस बोलते थे। तो शेयर स्ट्रेस इस यू के अपोजिट डायरेक्शन में लगते हुए तो जो वर्क किया वो शेयर स्ट्रेस कितना हुआ तो वो हुआ टाउ। और इस टाउ के अपोजिट में मतलब मैंने बताया था ना कि अगर ये एक्ट कर रहा है तो इसके अपोजिट में ये एक्ट करेगा और इसके साथ में फिर ये भी उसको कुछ ना कुछ अपोज करेगा। मतलब पहले मैंने ढक्का लगाया फिर तुमने ढक्का लगाया और तुम्हारे ढक्के के अपोज में मैंने एक्स्ट्रा ढक्का लगाया तो वो जो एक्स्ट्रा ढक्का होगा मतलब एक्स्ट्रा शेयर स्ट्रेस होगा वो होगा टाउ प्लस डेल्टा। ओके, इतना क्लियर। चलिए, तो आप थोड़े बहुत नॉमेनक्लेचर हैं और नॉमेनक्लेचर के साथ डेरिवेशन का पार्ट है। तो u प्लस डेल u अपॉन डेल x इनटू dx इज इक्वल टू क्या था हमने वहां पे टेंपरेचर ग्रेडियंट पढ़ा था और यहाँ पे हम वेलोसिटी ग्रेडियंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो एट द राइट हैंड फेस cg, ठीक है? मतलब हमारा वहाँ पे इनफ्लक्स था इफ्लक्स था हम लोग जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कर रहे थे उसी तरीके से यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इनलेट है एट पॉइंट सी डी मतलब लेफ्ट हैंड साइड से और u प्लस डेल u अपॉन डेल x इनटू dx जो है वो राइट हैंड साइड पे है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे u था यहाँ पे v वर्क हो सकते हैं तो v जो है फ्लूइड वेलोसिटी एट द बॉटम vc है तो v प्लस डेल v अपॉन डेल x
into dx is equal to the velocity, fluid velocity at the top face ABC. Okay, and mass flow rate along x-axis क्या होगा? तो rho into u into dy into 1, ultimately rho into u into dy. इसी तरीके से change in momentum of the mass mx along x-axis क्या होगा? तो mx into हमारा formula क्या होता है? Momentum के लिए m into change in velocity. Okay, तो mass हमने mass लगाया, change in velocity in x direction क्या होगा? तो u plus del u upon del x into dx minus u. ये final minus initial, तो ये दोनों मेरे ख्याल से एक दूसरे से cancel हो जाएंगे, तो आपका आएगा mx del u upon del x into dx. Okay, और mx को अगर मैंने open किया तो ये हो जाएगा rho into u into dy upon del x into dx into dy. सिमिलरली अब अगर हम y डायरेक्शन के कंसीडर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, my is equal to rho into v into dx into 1, ultimately rho v dx, same process. तो change in momentum of mass my जो होगा वो होगा my into del v, okay, del u upon del y into dy, or rho into v into del u upon del y into dx into dy. So total viscous force along x-axis क्या होगा? तो अब x-axis में जो viscous force पड़ रहा था वो था tau plus del tau minus tau into total area. तो हमने क्या किया? अब tau की जगह पे जो formula था, जो standard formula है वो क्या है? Tau is equal to mu into del u upon del y. इसी तरीके से del tau का क्या हो जाएगा? तो डेल अपॉन डेल वाई ऑफ यू इनटू डेल यू अपॉन डेल वाई इनटू डी वाई माइनस फिर से टाउ आया, तो फिर से ये टाउ का वैल्यू मैंने यहाँ रख दिया, और एरिया हमारा क्या हुआ, तो डी एक्स इंटू वन एक यूनिट लेंथ कंसिडर किया गया था. तो अल्टीमेटली जो आपका जो पूरा इक्वेशन बना वो इक्वेशन बनेगा न्यू इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू डी वाई. ओके भाई आप लोग को आवाज आ रही है? हेलो हाँ चल